जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने बताया कि लॉकडाउन दिनांक 31 मई 2020 तक जारी रहने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 17 मई के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुपालन में स्थानीय स्तर व्यवस्था निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने बताया कि 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर को छूट दी जाएगी। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां निरुद्ध रहेंगी। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे। जनपद गोरखपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की कुछ दुकान प्रतिष्ठान अग्रिम आदेशों तक खुले संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिसमें स्टेशनरी की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को 11 बजे से 6 बजे, कृषि यंत्र उपकरण, कृषि बीज, उपज हेतु कीटनाशक दवा, बीज भंडार, उर्वरक की दुकान सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सीमेंट, बालू, मोरंग, मिट्टी, सरिया, निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर, फर्नीचर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ऑटोमोबाइल पार्ट शॉप, मोटर रिपेयर वर्कशॉप रविवार को छोड़कर प्रतिदिन, बैटरी टायर ट्यूब शॉप मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, चश्मा मोबाइल शॉप पार्ट मरम्मत मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, इलेक्ट्रिकल सामग्री पार्ट मरम्मत सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पार्ट मरम्मत बर्तन गैस चूल्हा विक्रय मरम्मत सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, प्रिंटिंग प्रेस रविवार को छोड़कर प्रतिदिन, ड्राई क्लीनर्स मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को खुलेगी। मछली, मीट, अंडा, दूध की होम डिलीवरी होगी। दवा, राशन, कोरियर, पार्सल होम डिलीवरी होगी। मिठाई की दुकान, बेकरी केवल होम डिलीवरी प्रतिदिन होगी। यह सभी दुकानें निर्धारित समय अवधि के अनुसार खोलने की अनुमति शर्त के साथ प्रदान की जाती है। शर्तों में दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करना होगा। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। दुकान के सामने अंदर एक साथ एक समय में अधिकतम 5 से अधिक ग्राहकों को खड़ा नहीं किया जाएगा और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग हेतु कम से कम 2 गज की दूरी होगी। हाथ धोने, सैनिटाइजर, व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए व्यवस्था की जाएगी। दुकान को दिन में कई बार सैनिटाइज, सफाई सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के घोल, ब्लीचिंग पाउडर के घोल से कराया जाए। दुकानदार, दुकान के क्रमिकों, ग्राहकों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहना जाएगा। दुकानदार, प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों, क्रमिकों को प्रवेश निषिद्ध किया जाएगा। बड़ी दुकान और प्रतिष्ठान जिसमें 30 से अधिक क्रमिक कार्य करते हो, ऐसे प्रतिष्ठान को 50% क्रमिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा, अर्थात अधिकतम 1 साथ 15 से अधिक क्रमिक कार्य नहीं करेंगे। बड़ी दुकानें, प्रतिष्ठान पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। सभी होम डिलीवरी सेवाएं दवा के अतिरिक्त प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक ही संचालित होगी। डिलीवरीकर्ता को मास्क, फेस कवर, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान ई पास के आधार पर ही खुलेंगे। पूर्व में निर्मित वैलिड ई पास मान्य होगा। नई दुकान प्रतिष्ठान हेतु ई पास लेना अनिवार्य होगा। समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर चलने वाले कैंटीन इत्यादि खोलने की अनुमति होगी, किंतु सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं होगी। सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। सामान्य लोगों को अपने मोहल्ले आदि में फेरी, ठेले वालों से सब्जी, फल खरीद सकेंगे। जन सामान्य के लिए मंडी से विक्रय की अनुमति नहीं होगी। फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। औद्योगिक गतिविधियों को कंटेंट जोन से बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूर्व आदेश का अनुपालन किया जाएगा। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरणों एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देश पृथक से निर्गत किया जाएगा।
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी। लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में समस्त यात्रियों को मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। टैक्सी सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। जनपद में जो व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता है उसे अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सा व्यवसायी, नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी एवं एम्बुलेंस के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त प्रकार के माल, माल परिवहन, खाली ट्रकों सहित की अनुमति होगी, किंतु शहरी क्षेत्र में 7:30 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क फेस कवर ना लगाने पर प्रथम बार 200 रुपये जुर्माना होगा, उसके बाद 500 रुपये जुर्माना देय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रथम बार 200 रुपये जुर्माना देना होगा, उसके बाद 500 रुपये जुर्माना देय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इसकी बिक्री से संबंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। दुकान के सामने 6-6 फीट की दूरी पर गोला बनाया जाएगा। समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अर्थात 1 से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों के जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक है। कंटेनमेंट बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होगी। लॉकडाउन के दिशा निर्देश के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।